नमस्कार जी, आयशा प्लांटिक में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आयशा प्लांटिक द्वारा जो आज से 2 साल पहले पौधा लगाया गया था, हमने एक पौधा दिया था अपने किसान भाई को, वो भी हमने बहुत ज़बरदस्ती दिया था, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा नहीं आ पाए। ये इनका गांव ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन है तो हमारे पास में ही है, लेकिन हम ज़्यादातर बाहर एरियो में रहते हैं। आपको पता ही है, जो वीडियो वगैरह हमारी बनती है, नालागढ़ हो गया, शिमला हो गया, अमृतसर हो गया, ऐसे वगैरह साइडों में रहते हैं हम ज़्यादातर। जो कि जब हम इनके पास आए तो हम देख के शॉक हो गए। ये किसान भाई हमारे को ढूंढ रहे थे, जब इन्होंने हमें बताया कि मैं और पौधे लगाना चाहता हूँ, एक पौधा नहीं, ना दो पौधे, ना 50, सीधे 200 पौधा लगाना। आपसे मतलब कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? ये तो कह रहे हैं कि नंबर कॉन्टैक्ट ऐसे हुआ कि इस किसान भाई से, हमारे से, मैं इनको अभी आपका सभी का परिचय करवाऊंगा। हाँ जी, इसे मेरा कॉन्टैक्ट इस तरफ से, मैंने सोचा चलो एक बार पूछ लेता हूँ। अच्छा, फसल वगैरह कटी हुई है आजकल, मक्की मगर शायद लगा ले ये पौधा, दोबारा पौधे लगाए, कुछ थोड़े बहुत लगा ले, ज्यादा ना लगाए, थोड़े बहुत लगा ले। अच्छा, जब मैं इनके पास आया, ये तो मेरे से ज्यादा उतावले थे कि मैंने ज्यादा खेती करनी है, ठीक है, खुश हो गया। जब मैंने पूछा कि आपका पौधा क्या चल रहे हैं या खत्म हो गया, एक पौधे की ना हम केयर करवाते हैं ना किसान हमारा केयर करता है, बिल्कुल, फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करी हुई है। जो इन्होंने केयर करी है बहुत अच्छे तरीके से करी है, ठीक। जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, 2 साल का पौधा है। इन्होंने ये दो पौधे लगाए थे, दो पौधे दिए थे हमने इनको। ये देखिए, एक मांग रहे, हमने इनको जबरदस्ती दो पौधे दिए, देखिए। हाँ, दूसरा भी 500 का इनको पौधे दिए थे दो। ये देखिए, ये तो बहुत ही काफी, मतलब गुच्छों में नींबू लगा भरा हुआ है। एक हाथ से उठा के बताते थे भाई गुच्छों में नींबू लगता है, लेकिन अब तो आपको दो दो हाथियां भी बता रहे हैं भाई गुच्छों में नींबू। बाकी और हाइट भी इसकी ज्यादा नहीं है, कम से कम 6-7 फुट की है, और 6-7 फुट का घेरा बनाता है। और दूसरा लेमन का प्लांट जी रहा साथ में ही है, ये देखिए नीचे से आपको दिखा देता हूँ, ये इसका वो है घेरा है, दूसरे का घेरा वो रहा उस साइड पे है कोने में। तो आइए हम आपको किसान से मिलाते हैं जिसने ये पौधा लगाया था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राम कुमार जी। हाँ जी, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तहसील। अच्छा, तहसील भी उन्ना ही है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में ही है जी। आपने एक पौधा लगाया था? हाँ जी सर, एक पौधा लगाया। अच्छा, ठीक है जी। कितना टाइम? दो साल हो गया, ठीक है जी। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। अच्छा जी, क्या नींबू वगैरह कैसा लग रहा है? नींबू हफ्ते का मैं 5-6 किलो बेच देता हूँ। अच्छा, तोड़ लेते हो? हफ्ते का क्या रेट क्या जाता है आपका? मतलब 50 रुपये जाता है। चले जाता है 50, हंस के ले लेते हैं इस नींबू को ना। हाँ, 50 रुपये ले। बहुत ही अच्छा, काफी रसा है इसमें भी। ठीक है, ठीक है। दो पौधे हो गए, आप बेच देते हो 4-5 किलो हफ्ते का बेच देते? ठीक है जी, दिखाइए आप राणा जी, आप दिखाइए। हाँ जी, देखिए किसान भाइयों, आपको मैं दिखा देता हूँ, जो सा मर्जी ले लो, नीचे से दिखाता हूँ मैं, जहाँ से ये चला हुआ है। ये देखिए, आप नीचे से बैठ के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए काफ़ी, मतलब कोई भी ऐसी टहनी नहीं है जिसको फल ना लगा हो, और साथ साथ में ये फल पीला भी हो रहा है। ये देखिए पीला पीला भी हो रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, पका हुआ है। और ये देखिए नींबू का साइज़ देख लीजिए आप, ये देखिए मैं तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छे प्रकार से जो नींबू है, इन्होंने केयर भी अच्छी करी हुई है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा प्लांट ये रहा, ये देखिए पीले भी हो रहे हैं साथ में, ये देखिए ये साइज़। ये आयशा प्लांटिंग द्वारा ऊना में लगाए गए लेमन के प्लांट थे दो। अच्छा जी, आपने राम कुमार जी और भी लगाने हैं प्लांट? जो मतलब अभी मैं 150 बूटा ले, अच्छा, लेना यही इसी जगह में लगाओगे जो आपने, जिसमें मक्की वगैरह, ये देखिए इन्होंने जो काटी हुई है, ये इनका कम से कम 2 कनाल का जो खेत है, ये अभी 100 प्लांट की और मांग कर रहे हैं हमें कि जहाँ पे लगाएंगे। 200 लगाना है। वैसे तो ये कितने कनाल का है? 2.5 कनाल का है, 1.5-2 कनाल का? मेरे को काफी 2 का ही होगा। परे तक है वो आपका? लास्ट तक परे तक है हमारा, ठीक। तो इसमें तो आपका 200 प्लांट लग ही जाएगा। हमें 150 चाहिए वैसे। 150, ठीक ठीक है, 150 प्लांट लगा लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, आज आप फिर इसकी तुड़ाई वगैरह कर रहे हो क्या साथ में? सर तुड़ाई कर रहा हूँ मैं, मंडी बेचूंगा सुबह कल। अच्छा अच्छा, मतलब आप देखो दो पेड़ से कम से कम 5-7 किलो जो नींबू का आप हफ्ते के अंदर ही निकाल लेते हो, काफ़ी मतलब झाड़ है इसका ना। अच्छा, ये देखिए किसान राम कुमार जी है, जो कि अभी जो फल है हमारे सामने, किसान भाई तोड़ रहे हैं, आप देख सकते हो, ये देखिए तोड़ रहे हैं आज, और ये बता रहे हैं कि हफ्ते के अंदर ही इनके 5-10 किलो नींबू जो है दो पेड़ से हो जाते हैं। जिस हिसाब से ये आप पौधा देख रहे हो फल लगा हुआ है, उस हिसाब से तो हमें लगता है कि हो जाते हैं, क्योंकि एक पेड़ को 70-80 किलो तो नींबू लगे हुए हैं ऑलरेडी। गर्मियों में भी नींबू लगता है या नहीं लगता इसको? गर्मियों में भी लगता। चित्रे जी आप भी तोड़ रहे हो साथ में हैं इनके साथ ही? मदद करा देता हूं। चलो चलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गर्मियों में नींबू लगता है या नहीं लगता? 12 महीने लगता है। 12 महीने
किसान भाइयों, जैसा भी आपको पता है किसान कस्टमर खुद अपने मुंह से बोलता है गर्मियों में भी नींबू लगता है, आप नहीं लगता है किसी के ऊपर, किसी कोई कहे कि आयशा प्लांटिक का गर्मियों में नींबू नहीं देता है, किसी के ऊपर आपने यकीन नहीं करना है, आप हमारे कस्टमर से आके खुद मिलिए और खुद प्रैक्टिकल से देखिए। मैंने इस बार आपको गर्मियों में आपको मैंने नींबू अपना दिखाना था जो इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह चलो मैं खुद नहीं बना पाया, लेकिन हमारे भाई है अमृतसर से, उन्होंने तो डेली डालते वो, जिन्होंने अपने आप ही हमारे को वीडियो बना बना के भेजी, किसान ने, एक भाई किसान है, किसान इतना कोई नहीं करता है, मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात है कि लोग कहते हैं कि गर्मियों में नींबू नहीं लगता है, क्या आप मेरे को वीडियो बना के भेज सकते हैं, कमाल होगी वीडियो क्यों नहीं भेजूंगा मैं बना के। उन्होंने हमारे को वीडियो बना के भेजी जो कि मैंने यूट्यूब पे डाली है, मई की डाली है, अप्रैल की डाली है, जुलाई की डाली है, जून की डाली है, हर मंथ की मैंने डेटे स्पेशल डेटे तारीख डाल के वीडियो अपलोड करी है। और अब ये हमारे किसान भैया राम कुमार जी ये भी खुद कह रहे हैं कि कहने का मतलब इनके ये कह रहे हैं कि गर्मियों में नींबू लगता है। और हाँ जी चलो कोई बात नहीं सर, इनसे पूछ लेते हैं, ये बताएंगे अपनी बात। हाँ जी सर, आपका फरवरी में क्या मार्च में जो नींबू क्या लगा था, तैयार हुआ था इसमें? लगा हुआ था। अच्छा कितना हजार था उस टाइम भी, ऐसे ही था जहाँ मतलब थोड़ा कम जैसे था? वैसे तकरीबन थोड़ा कम हो जाता, कभी कभी ज़्यादा हो जाता। अच्छा गर्मी की मार पानी की वजह से भी हो जाता है, बीच बीच में ना दिक्कत भी आती है। अच्छा पानी वगैरह आप कहाँ से लगाए थे ना? फिर भी मैंने इतनी केयर नहीं की है। अच्छा जी बिल्कुल, जितनी जगह आप कह रहे थे पहले मुझे, हाँ, पहली बार जब आपको मिला था मैं, हाँ जी हाँ जी, तो केयर बताई थी कि 150 बूटा 100 बूटा लगाओ तो आपको थोड़ा ये हरियात भी मिल जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी। तो वैसे तो आप एक बूटा 250 रुपये का देते हैं जी, अगर इकट्ठे लें तो देखिए गुच्छों में लेस भी कर देते। अच्छा ठीक है ठीक है जी, तो लेस भी कर लेते हैं, इसलिए मैंने फिर आप दो बूटों का तो इतना मैंने भी केयर नहीं किया है। ठीक है बिल्कुल, चलो फिर भी बड़ा अच्छा राम कुमार जी लगा हुआ है जी, चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी बहुत चलो आगे के लिए हम जो आगे आपने कब मंगवाने हमारे से पौधे, अभी मंगवाने या रुक के मंगवाने? आपकी इच्छा 5-4 दिन में ला देंगे तो अच्छा। चलो ठीक है जी, आपने अपनी खेत तो सफाई कर लो आप ना, खेत की जो जी आपने मक्की वगैरह ना, ये आप हफ्ते के अंदर खत्म, हफ्ते के अंदर गाड़ी आ जाएगी हमारी, ठीक है जी, आप हफ्ते के अंदर कर लो। ठीक है जी, ठीक है जी। आयशा प्लांटिक द्वारा लगाए गए नींबू के पौधे जो दो पौधे है डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगे, अगर कोई भी किसान भाई आके देखना चाहता है तो आके देख सकता है, किसी को कोई शक नहीं, शक वाली बात नहीं है भाई, आओ जब मर्जी आओ, आप हमें कॉल करो, हम आपको विजिट करवाएंगे, ठीक है जी। आयशा प्लांटिक में सभी किसान भाइयों का स्वागत है, आयशा प्लांटिक द्वारा लगाए गए नींबू के पौधे।